जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस पुनर्परीक्षा यानी री एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 60,244 पदों के, इसमें देखिए हम क्या बात करेंगे दोस्तों, जीके एंड जीएस, क्या जीके एंड जीएस के बारे में बात करेंगे कि कहां से आप कितने क्वेश्चन अर्न कर सकते हैं। और साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूं कि साथियों, अगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहते हैं तो आप 38 में से 35 तक क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों, इसका प्रमाण आपको पहले ही पता लग चुका होगा, जब दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था तब दोस्तों हमसे पढ़ने वाले बच्चों ने 32-32 क्वेश्चन तक भी सही किए थे 38 में से, ठीक है। तो साथियों, ये आप युद्ध के तरीके तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। क्या साथियों, आपके पास वक्त अब बिल्कुल नहीं है। तो क्या मेरी रणनीति रहने वाले जीएस पर दोस्तों, और आप सभी के लिए, देखिए कहीं से भी पढ़िए, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो जीके जीएस में दोस्तों कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली ही नहीं है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ठीक है। तो साथियों, शुरू करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको कि साथियों, आप सभी के लिए हम दोस्तों क्लासेस लेकर के आ रहे हैं रेगुलर, ठीक है। देखिए, हमने भूगोल भी लगभग कंप्लीट करा दिया है आपका, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर की क्लासेस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है, मार्च तक हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर करा ली, फरवरी तक दोस्तों ऐसे धीरे धीरे आप करंट अफेयर की क्लासेस भी हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा संपूर्ण इतिहास पढ़ा दी, और दोस्तों आपके लिए हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए संपूर्ण स्टैटिक जीके भी करवा दिया है। तो एक बार दोस्तों आप जा करके प्लेलिस्ट में कर सकते हैं, और साथियों अगर जिसको पीडीएफ की ज़रूरत है, ई बुक्स की ज़रूरत है, वो जाएं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। कोर्सेज वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट का कोर्स भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी करना तो ले सकते हैं। वैसे ई बुक पर जाइए, ई बुक पर दोस्तों जैसे ही जाएंगे दोस्तों, ये देखिए आपको यहाँ से दोस्तों संविधान की ई बुक मिल जाएगी मात्र 50 रुपये में, भूगोल की मिल जाएगी 50 रुपये में, इसके अलावा साथियों संपूर्ण इतिहास की 50 रुपये में, स्टैटिक जीके की 50 रुपये में, और साथियों ये आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल की है 50 रुपये में। इसके अलावा आपको हिंदी की भी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की, जल्दी से जाइए दोस्तों, डाउनलोड करिए और इसका आनंद उठाइए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के जीके जीएस की स्ट्रेटजी पर। साथियों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं अच्छे से आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिए, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, अब देखिए अगर मेरी बात है दोस्तों, तो मैंने भी कम से कम 4 बार दोस्तों यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैंने कई बार प्रूफ भी दिए हैं, तो आप सभी अगर इतना तो मानते हैं तो समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर जिसको चाहिए भैया कि हाँ कब निकाल दिया, कब कैसे आई वैकेंसी, तो उसके बारे में भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, जीके जीएस का टारगेट दोस्तों 38 में से 35 क्वेश्चन तक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, कैसे दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, सामान्य ज्ञान को अमूमन हम 4 भागों में बांट के आपको बताने वाले हैं। कितने? 4 भागों में बांट करके आपको हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। पहला दोस्तों, एक आपको देखिए हम सब्जेक्ट वाइज बांटेंगे। सब्जेक्ट वाइज का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये आपका सब्जेक्ट वाइज हो गया। दूसरा दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल, क्या? यूपी स्पेशल, क्या? यूपी स्पेशल दोस्तों। उसके बाद तीसरा दोस्तों आपका करंट अफेयर, जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है और इसे सबसे आसान बनाने वाला हूँ मैं आज, ठीक है। और चौथा स्टैटिक जीके दोस्तों, इसके लिए तो आप हमें दोस्तों मान सकते हैं कि हाँ इसके लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं होने वाला, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ समझ जाइए। तो चलिए पहले देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज में दोस्तों आप क्या हो रहा, आपको पता है कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है। अब यहाँ तक दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में, कई वीडियो में दोस्तों इसका विश्लेषण भी किया था, जिसमें दोस्तों साइंस से केवल और केवल दोस्तों एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें अम्ल वाला, ठीक है, कि जैसे कि पालक में कौन सा अम्ल है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल, ऐसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए, बस एक ही क्वेश्चन आपके साइंस से पूछा गया था, ठीक है। वही साथियों में बात करूं तो जियोग्राफी से दोस्तों 3 क्वेश्चन थे, एक वर्ल्ड जियोग्राफी से और दोस्तों 2 आपके इंडियन जियोग्राफी से, ठीक है। पॉलिटिक्स से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, और इकोनॉमिक्स से लगभग 2 क्वेश्चन थे। अब ये
मतलब एक्सपर्ट मत क्या बोलते हैं कि यही इतने इतने क्वेश्चन लगभग लगभग थे, हैं अप्रोक्स, ठीक है। चलिए अब साथियों बात करते हैं हिस्ट्री की। तो आपको पता है कि हिस्ट्री, देखिए आप कहीं से भी पढ़ें, अगर मैं बता रहा हूँ दोस्तों तो मैं अपने तरीके से बताऊँगा कि भैया हिस्ट्री के लिए हमने हिस्ट्री पढ़ा दी है, इसे आप कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जियोग्राफी, जियोग्राफी भी हमने पढ़ाई है दोस्तों, तो उसे कर लीजिए। देखिए हिस्ट्री और जियोग्राफी हमने बहुत अच्छे से करा रखी है, ठीक है। बात आती है दोस्तों पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, दोस्तों इसको अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स, ठीक है, देखिए अब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हम दोनों स्टार्ट करने वाले हैं। और साइंस में दोस्तों अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम वही कुछ टॉपिक लगभग दोस्तों 8 से 10 टॉपिक करवाएंगे, केवल और केवल 8 से 10 टॉपिक, और कोशिश रहेगी कि उसी में से आपके क्वेश्चंस पूरे के पूरे आ जाएँ, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं पढ़ाने वाले साइंस, क्योंकि हम ज़्यादा उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप करिएगा, जैसे जीएस की क्लासेस हम दे रहे हैं दोस्तों उनसे करते रहिएगा। देखिए ये जो हम क्लासेस दे रहे हैं ये केवल और केवल पुलिस तक ही सीमित नहीं, आपको हर एक एग्जाम में इनसे फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरी चीज़ दोस्तों यूपी स्पेशल, आपको पता है यहाँ से दोस्तों 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी स्पेशल, ये आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप कोई बुक्स ले सकते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों इसके लिए देखिए हमें, मैंने इसको पेड बैच में पढ़ाया दोस्तों, इसको मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहे तो हमारा दोस्तों एक ईबुक है 50 रुपये में, वो ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है, मात्र 50 रुपये में उत्तर प्रदेश स्पेशल। और वो ईबुक जो है आपको चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो पर्याप्त है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो साथियों सब्जेक्ट वाइज और यूपी स्पेशल के बारे में हमने बता दिया है। अब दोस्तों बात आती करंट अफेयर की, सबसे ज़्यादा दोस्तों बच्चे हमसे पूछते हैं सर करंट अफेयर कहाँ से करें, मतलब किस समय से करें। तो भैया मैं आपको बता दूं कि आप जनवरी से करिए, कहाँ से, जनवरी से लेकर जुलाई तक। अगर दोस्तों अगस्त में पेपर होगा तो साथियों जुलाई तक कर लीजिएगा, ठीक है, जुलाई तक, हाँ जुलाई तक, तो जनवरी से जुलाई तक आप करिए करंट अफेयर, ठीक। अगर जुलाई में होता है दोस्तों जून तक कर लीजिएगा, अगर जुलाई में एग्जाम होते हैं तो, ठीक है, मगर दोस्तों मुझे लग रहा है कि अगस्त तक ही पेपर होने हैं, ठीक है। अब देखिए जो करंट अफेयर पढ़िएगा उसको दोस्तों तीन तरीके से बांटेंगे, क्या तीन तरीके से बांटेंगे। पहला दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, यहाँ से आपके हर एक शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। और आपने अगर पिछली बार हमसे पढ़ा होगा तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं गया था दोस्तों, लास्ट 6 महीने हमने करंट अफेयर करवाया था, ठीक है। हमारे दोस्तों अनुराग सर की बहुत बड़ी मेहनत थी उन कंटेंट को तैयार करने में, तो उनके द्वारा कराया गया था, माना मतलब पढ़ाया मैंने था दोस्तों, कंटेंट उनके द्वारा तैयार किया गया था, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से कर लीजिएगा। और नेशनल और इंटरनेशनल, देखिए ये मैं करवा भी चुका हूँ दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च की, जनवरी फरवरी और मार्च की, अप्रैल और मई की दोस्तों बहुत ही जल्द आपको करवा भी दूंगा, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल दोस्तों जनवरी और फरवरी की हो चुकी, संजीव सर के द्वारा करवाई भी जा चुकी है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जो हमने बताया था करंट अफेयर वाले, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपको देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर का तैयार करिए अच्छे से, क्योंकि यूपी के एग्जाम दे रहे हैं और दोस्तों इंटरनेशनल नेशनल के भी। उसके बाद कुछ अदर टॉपिक है जहाँ से पिछली बार क्वेश्चन देखने को मिले थे, जैसे चंद्रयान से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया था ज़्यादातर दोस्तों, रोवर का नाम इस तरीके से। अब दोस्तों आपको इससे रिलेटेड आदित्य L1 भी देख लेना है, ऑपरेशन पूछा गया था ना कि ऑपरेशन मेघदूत, या फिर दोस्तों कि यूक्रेन से लाने के लिए भारतीयों कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन गंगा क्या है, ऑपरेशन कावेरी क्या है, इनको। इसके अलावा दोस्तों जो लेटेस्ट त्यौहार है, हाँ लेटेस्ट त्यौहार कौन सा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, त्यौहार और मेले। और दोस्तों अभी लोकसभा चुनाव हुआ, इसको आप जरूर पढ़िएगा। राम मंदिर दोस्तों अभी इतना पुराना हुआ नहीं, इसको कर लीजिएगा। संसद भवन, नया संसद भवन जो है और उससे संबंधित तथ्य, ठीक है। और G20, ये सारी चीज़ें मैं खुद करवाऊंगा दोस्तों अपने इसी चैनल पे, आप परेशान ना होइएगा, आपको केवल हमारे साथ जुड़ के रहना। तो दोस्तों आपका ये तीसरा भी समाप्त हो गया करंट अफेयर का, ठीक है। और चौथा दोस्तों जो टॉपिक है स्टैटिक GK, भाई ये सबसे लाजवाब है, यहाँ से दोस्तों लगभग 15 से 18 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। और मैं बता दूं कि जितना भी मैंने पढ़ा दोस्तों वहीं से सारे क्वेश्चन आपके आए थे, हमारे एकमात्र ई बुक से ही सारे क्वेश्चन फाट पड़े थे, यानी सारे क्वेश्चन आए थे, जिसका अगर आपको प्रमाण दिए जा करके दोस्तों वीडियो पिछली पढ़ी है उन्हें देखिए, और एक एक क्वेश्चन आपको वहीं से मिलते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरी GK की स्ट्रेटजी है, इस तरीके से आप GK पे दोस्तों बहुत ही अच्छे से शिकंजा कर सकते हैं। अब इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, तो स्टैटिक GK दोस्तों हमारी क्लासेस हैं उनको देख लीजिए, उनसे नोट्स बना लीजिए, या दोस्तों आप चाहें तो इसकी हमारी 50 रुपये ई बुक है ना, जिसे आप परचेस करके आप इसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं जैसी आपकी इच्छा,
ठीक है। और दोस्तों ये आपके यूपी स्पेशल, यहाँ से भी दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, आप देख लीजिएगा, तो ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इनको आप कर लेते हो तो लगभग 22 क्वेश्चन आपके, 20 से 22 क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं दोनों ई बुक से या फिर इन्हीं दोनों चैप्टरों से आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे दोस्तों होगा ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ दोस्तों, देखिए आप ई बुक, कोई भी ई बुक डाउनलोड करने के लिए, परचेज करने के लिए दोस्तों पहला रीजन क्या है, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ से दोस्तों जा करके आप जो भी ई बुक आपको पसंद आए, हिंदी है ना, जो भी चीज़ें हैं आप जा करके वहाँ से ले सकते हैं। या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके, इसी नंबर दोस्तों गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम करके जो भी आपको ई बुक चाहिए उसका आप हमसे व्हाट्सअप पे भी प्राप्त कर सकते हैं, 7905419251। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर ज्वाइन करिए, इसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है, मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आपको बता भी दूँ कि साथियों जो भी भूगोल वाली चीज़ें हैं यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये है दोस्तों स्पेशल उत्तर प्रदेश स्पेशल और इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण इतिहास यहाँ से कर लीजिएगा। और मेरे दोस्तों स्टैटिक जीके के लिए दोस्तों ये वाली प्लेलिस्ट है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको हमने कराया हुआ है, तो इसे कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए पीडीएफ साथियों तो ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन पर, ठीक है, आपको ठीक है प्ले स्टोर में जा करके, और वहाँ से जाइए ई बुक्स वाले कॉलम पर। जैसे ही साथियों आप ई बुक्स वाले कॉलम पर जाएंगे, वहाँ देखिए, ये देखिए संविधान की ई बुक मिल जाएगी 50 रुपये में, निकलवा लीजिए बाहर, ठीक है, प्रिंट करवा सकते हैं आप। अगर करवाना चाहें तो भूगोल की हो जाएगी, इसी प्रकार से इतिहास की है, स्टैटिक जीके की है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश स्पेशल की। जब बात साथियों आती है स्टैटिक जीके की, तो मैं स्टैटिक जीके में बता दूं कि क्या क्या आपको चैप्टर मिलेंगे। साथियों भारतीय कृषि हो गया, ठीक है, वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या नगरीकरण हो गया, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाएँ, यूपी राजस्व, पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, ठीक, मानव अधिकार हो गया, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद हो गया, भारत के पड़ोसी देश हो गया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर, साइबर क्राइम, पुरस्कार एवं सम्मान, देश राजधानी मुद्रा दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मात्र दोस्तों 50 रुपये आपको मिलने वाली है। कैसे, ज्ञान आरबीएल ऐप पर जा करके इसको आप परचेस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पर आप 50 रुपये पे करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके दोस्तों हमें इसी व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी जानकारी, जो भी आपको दोस्तों अगर कुछ चाहिए, कुछ इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।